नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आय सिंधी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम आपकी 64th BPSC मेंस की जो टेस्ट सीरीज आय सिंधी चैनल द्वारा कराई जा रही थी उसका डिस्कशन वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या है कि जिन लोगों ने टेस्ट ज्वाइन किया था उनकी कॉपी इवेलुएट होके मिल चुकी है। टीम ने बहुत मेहनत से आपकी कॉपी इवेलुएट की है, तो अब इन डिस्कशन वीडियो के जरिए आप और बेटर जो है अपने आंसर का फॉर्मेटिंग जान सकेंगे। साथ ही जो किसी कारण से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में अक्षम रहे थे वो भी इन वीडियो से क्वेश्चंस और साथ में उनका एक ब्लूप्रिंट काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग जान लेंगे, जिससे कि उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो रहा है, कितना हो रहा है, इस सब डिस्कशन में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि अल्टीमेटली पेपर होना है और आप लोगों ने देना है। अभी 65th का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, तो आपको अपना PT और मेंस जो है बैलेंस करके चलना है। अभी जो है चैनल पे 65th BPSC के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो जो है डाला जा चुका है, तो जो लोग पहली बार BPSC देने जा रहे हैं और जो लोग पहले से देते आ रहे हैं वो लोग उसको ज़रूर सुन लीजिएगा, आपको उससे हेल्प होगी। इसके अलावा थोड़ा सा काम आप लोग खुद कीजिएगा, अपना मेंस और PT आपने कैसे बैलेंस करके चलना है ये एक प्लान आप अपना बना के रखिए। ठीक है, तो इससे जो है लास्ट टाइम पे जब पेपर आ जाएगा, डेट अनाउंस हो जाएंगी, तो जो एक लास्ट टाइम का प्रेशर बिल्डअप हो जाता है ना, उससे आप लोग बच जाएंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। ये टेस्ट नंबर 1st है आपका और इसमें जो है हम लोग हिस्ट्री का सेक्शन आज जो है आपका डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन है कि श्री मन्ना नारायण के शब्दों में आज के मानव के सभी दुखों को दूर करने की एकमात्र रामबाण औषधि गांधीवाद है। ठीक है, इस कथन के संदर्भ में समकालीन विश्व में गांधी की प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में मैंने तीन जो वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट किया है, गांधीवाद, समकालीन विश्व में गांधी की प्रासंगिकता। अब जो है ये जो नाम दिया गया है श्री मन्ना नारायण, अगर इनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो उसका कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। ये जिस एक स्टेटमेंट के रूप में दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड है कि गांधीवाद की रिलीवेंस आज के टाइम में क्या है, ये आपको आंसर में लिखना है। ठीक है, तो देखिए गांधी जी ने करीब करीब ये समझिए हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ अपना उन्होंने थ्योरी दिया है ना, राजनीति हो, धर्म हो, पर्यावरण हो, स्वच्छता हो, तकनीकी हो, औद्योगिकरण हो, पंचायती राज हो, है ना, तो हर जगह पे उन्होंने अपनी जो है थ्योरी दी हुई है। तो अब वहाँ से देखिए कि उनके द्वारा बताए गए जो थ्योरी थी, उनके जो विचार थे, वो आज के विश्व की समस्याओं में कैसे फिट बैठते हैं। तो आज के वर्ल्ड में हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, पर्यावरण प्रॉब्लम है, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण अपने आप में एक समस्या आ गई है। उसके अलावा देखिए कि आपका स्वच्छता जो है एक प्रॉब्लम है, स्वच्छता को लेकर इतना बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया है, वर्ग भेद, जाति भेद ये एक प्रॉब्लम है, आतंकवाद एक प्रॉब्लम है, संप्रदायवाद एक प्रॉब्लम है। ठीक है, राजनीति में नैतिकता का स्तर जिस तरीके से गिरता जा रहा है ये एक प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स में हमें देखना है गांधी जी ने क्या बोला था, है ना। तो हम देखेंगे कि पर्यावरण को लेके गांधी जी के क्या विचार हैं, आतंकवाद को लेके गांधी जी ने क्या बोला, वर्ग भेद को लेके गांधी जी के क्या विचार थे, उसके अलावा स्वच्छता को लेके गांधी जी ने क्या बोला है, उसके अलावा तकनीकी में गांधी जी क्या बोले थे। जैसे उनका कहना था कि तकनीकी विकास से कोई समस्या नहीं है, लेकिन तकनीकी विकास का जो लक्ष्य होना चाहिए वो मानवता की सेवा होना चाहिए। तो आज के समय में आप देखते हैं कि जो हथियारों की एक दौड़ बन गई है, नई नई इनोवेशन हो रही है, अंतरिक्ष में जो है एक से बड़ी एक उपलब्धियां हासिल हो रही है, तो अल्टीमेटली हम लोगों को ये जानने की ज़रूरत है क्या उन तकनीकों से मानवता की सेवा हो रही है, क्या मानव के कल्याण में वो सब चीज़ें उपयोगी हैं। ठीक है, तो आपको ये सब बताना है। इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे तो गांधी जी ने न्यायसिता का एक सिद्धांत दिया था, इसी का जब हम आज के टाइम पे रिलीवेंस देखते हैं तो आप देखेंगे कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट हमारी गवर्नमेंट ने पारित किया हुआ है। तो न्यायसिता सिद्धांत क्या कहता था कि जो बड़े बड़े औद्योगिक हैं,
सॉरी उद्योग हैं उनको एक्चुअली ट्रस्ट में कन्वर्ट कर देना चाहिए और उस ट्रस्ट की संपत्ति का जो है समाज के कल्याण में प्रयोग करना चाहिए। तो बेसिकली एज इट इज़ तो एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन इसी का एक परिवर्तित रूप जो है वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में सामने आया, जिसमें हमारे जो उद्योगपति हैं उनको अपने लाभ का 2% है ना या समथिंग जो है उसका आपको जो है देना रहता है, और उसका प्रयोग फिर जो सरकार है वो समाज के कल्याण के लिए यूज़ करती है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं, जैसे स्वच्छता को लेके आप उनको गांधी जी के रिलेवेंस को दिखा सकते हैं। फिर आज के टाइम में सांप्रदायिकता जिस कदर बढ़ गई है, तो इसमें गांधी जी ने सर्वधर्म संभाव वाली एक कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो बेसिकली इस आंसर को तो इतना अच्छा लिखा जा सकता है, इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं लिखने के लिए, कि आप एक बहुत अच्छा आंसर इसमें लिख सकते हैं। कुछ कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, तो उस सब को मिला के आप जो है ये वाला आंसर लिख देंगे। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है, बिरसा आंदोलन के स्वरूप की व्याख्या करते हुए बिहार में आदिवासी आंदोलन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए, अगर ये यूपीएससी का क्वेश्चन होता तो आपने डायरेक्ट इंट्रोडक्शन के बाद बिरसा आंदोलन के स्वरूप कैसा था इस पे चला जाना है, पर क्योंकि हमें यहाँ पे 350-400 वर्ड समथिंग लिखने हैं, तो आपको जो है बिरसा आंदोलन का पूरा लिखना पड़ेगा, तभी आपके उतने वर्ड्स कंप्लीट होंगे, है ना। तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद जो है कि जो बिरसा आंदोलन के कारण रहे थे, बिरसा आंदोलन से जुड़े अन्य तथ्य थे, उनको बताते हुए आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो आपका मेन फोकस रहेगा वो आपका स्वरूप पे रहना चाहिए, कि उसका स्वरूप कैसा था। तो जैसे यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जो बिरसा आंदोलन था उसका स्वरूप क्या था, स्थानीय था, है ना। तो कोई राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन तो था नहीं, तो जो हमारी ये बिरसा जनजाति थी जो है उन्हीं लोगों के बीच में ये आंदोलन जो है सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो आंदोलन था ये सुधारवादी आंदोलन था। ठीक है ना, तो सुधारवादी आंदोलन से यहाँ मतलब था कि इन लोगों ने क्या है कि अंधविश्वास को हटाने की कोशिश की, एकेश्वरवाद को अपनाया। ठीक है, बिरसा ने जो है स्त्रियों की शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया, इसने ईसाई धर्म के कुछ मुख्य जो अच्छे तथ्य थे उनके शिक्षा को अपनाया, हिंदू धर्म के अच्छे तथ्यों को अपनाया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे बता सकते हैं कि एकेश्वरवाद को लेके क्या रहा था, एजुकेशन को लेके क्या रहा था। ठीक है ना, उसके अलावा एक और हो जाएगा कि देखिए जितने भी आदिवासी आंदोलन थे उन सब में ये बात तो कॉमन थी कि सभी के सभी आंदोलन हिंसक स्वरूप लिए हुए थे, है ना। तो आप ये भी यहाँ पे लिखेंगे कि आंदोलन का जो स्वरूप था वो हिंसक था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके क्वेश्चन के फर्स्ट हाफ की, कि बिरसा आंदोलन के बारे में आपने क्या बताया। अभी इसका जो सेकंड हाफ है क्वेश्चन का, वहाँ पे बिहार के आदिवासी आंदोलन की समीक्षा कीजिए। अब बिहार में आदिवासी आंदोलन अन्य भी रहे हैं, मेन तो आपके सिलेबस में ही, जैसे संथाल हुआ है ना, जैसे आपका ये बिरसा मुंडा हुआ, उसके अलावा देखिए ताना भगत आंदोलन है ना, इसके अलावा देखिए उससे पहले कोल विद्रोह हुआ है, चेरों का विद्रोह हुआ है। तो इन सब विद्रोह को आप उनके होने का जो क्रम रहा था, जो डेट थी, उस हिसाब से सीरियल वाइज थोड़ा थोड़ा बता देंगे। तो एक तरीके से जो बिहार में होने वाले आदिवासी आंदोलन थे उनका आपने बताकर कि वो कब हुए और उनका फिर क्या प्रभाव रहा, उससे क्या चेंजेस आए, ये आप बता देंगे, तो अब आपका जो क्वेश्चंस होगा वो कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं, आसान क्वेश्चन था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन के प्रकाश में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण स्वरूप एवं परिणाम पर चर्चा कीजिए। ठीक है, डिस्कस द रीजन नेचर रिजल्ट ऑफ सिविल डिसओबिडियंस मूवमेंट इन द लाइट ऑफ कांग्रेस कन्वेंशन इन लाहौर इन 1929। तो अब आपके क्वेश्चन में देखिए
यहाँ पे गिवन ही है कि आंदोलन के कारण, यहाँ पे बीच में कोमा आना चाहिए, स्वरूप तथा परिणाम पर चर्चा कीजिए। ओके, तो अब देखिए क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है कि लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके प्रकाश में आपको बताना है ना। तो अब आपने जो अपने क्वेश्चन की शुरुआत करनी है तो वो यहीं से करनी है। जैसे जो आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये हुई थी कि यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता का एक्चुअली प्रस्ताव पारित हो गया था, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमारा स्वाधीनता दिवस जो है बनाया गया था, तो उसकी जो है तैयारियाँ शुरू हो गई थी। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हो गया था, और इसके बाद कांग्रेस कभी भी इस मांग से तो पीछे नहीं हटी, ठीक है। तो उसके अलावा देखिए, अब हमारे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था तो उसके क्या कारण थे, तो सिंपल कारण तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं कि जो औपनिवेशिक सत्ता थी उसकी वजह से जो जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई थी, वो जो परिस्थितियाँ पैदा हो गई थी। उसके अलावा असहयोग आंदोलन के बाद जो है एक ज़ोरदार आंदोलन करने की ज़रूरत थी, गांधी इरविन जो एक बातचीत हुई थी, है ना, गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांगें अपनी रखी थी, उसके बाद समय दिया था। तो ये सब आपकी बहुत सारे इसके अलावा अन्य कारण है, तो वो सब यहाँ पे आप बताएंगे। उसके बाद मेन आता है कि स्वरूप क्या था आंदोलन का। तो स्वरूप में क्या था कि देखिए कानून तोड़े गए, नाम ही है इसका सविनय अवज्ञा, तो कानून तोड़े गए, तो बेसिकली तो नमक कानून तोड़े गए थे। जहाँ पे नमक कानून तोड़ने के लिए नहीं था तो वहाँ पे वन कानून तोड़े गए, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश में। उसके अलावा जो है सॉरी चौकीदारी कर जो थे उनको देने से मना कर दिया गया, तो बिहार में ये कार्यक्रम काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। उसके अलावा विदेशी वस्त्रों शराब की दुकानों पर धरना दिया गया, जो कि इतने व्यापक रूप पे हुआ कि इस आंदोलन की विशेषता ही बन गया था। महिला और छात्रों की भागीदारी व्यापक रूप पे हुई, तो आप देखेंगे जैसे श्रीमती हर्षन जो थी उनका काफ़ी योगदान रहा इस सब में। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं आप स्वरूप के रूप में बता सकते हैं। उसके बाद आपने परिणाम बताना है, तो परिणाम देखिए आपने क्या है कि बैलेंस व्यू लेके चलना होता है। आप ना तो सीधे ये कह सकते हैं कि आंदोलन असफल रहा, और ना ही आप ये कह सकते हैं कि आंदोलन पूर्णतया सफल रहा। बीच की स्थिति हमेशा रही है हमारे जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन रहे हैं। तो एक तो वही है कि भारतीयों के आत्मविश्वास में इसमें वृद्धि हुई, और अब ये क्लियर हो गया था कि भारतीय जो है अंग्रेजों से सीधी टक्कर ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो गोलमेज सम्मेलन थे वो बैकग्राउंड में चलते रहे थे, है ना। तो उसके अलावा जो गोलमेज सम्मेलन का ये हुआ था कि ब्रिटिश सरकार और जो भारतीय प्रतिनिधि थे उन लोगों ने समान स्तर पे आके बातचीत की थी, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप इसके परिणामों पर लिखेंगे, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। तो इस तरीके से आपका 350-400 वर्ड्स का ये क्वेश्चन बड़े आराम से अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के परिणामों पर चर्चा कीजिए, और साथ में भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं के योगदानों का वर्णन कीजिए। अब देखिए महिलाओं के योगदान का वर्णन पूछा गया, तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं लिखा है कि बिहार में या फिर सिर्फ भारत में, इसका मतलब ये है कि आपने बिहार में भी महिलाओं का जो योगदान रहा है उसके बारे में बताना है, और भारत में भी जो महिलाओं का योगदान रहा है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो अब वही है क्वेश्चन, तो पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद जब आप बॉडी पार्ट पे आएंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण रहे थे, किस तरीके से शुरू हुआ था, जीरो आर में क्या जो है गतिविधियाँ रही थी, स्थानीय स्तर वाले जो कार्यकर्ता थे उनका कितना ज़्यादा योगदान रहा था, है ना। तो वो सारे पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं आप परिणाम पर आएंगे। तो फिर आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन था, तो इस समय आप बताएंगे कि 1942 में जो क्रिप्स मिशन भेजा गया था तो वो बेसिकली असफल रहा था। उसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न जो परिस्थितियाँ थी तो बहुत मुश्किल उससे हो गई थी, महंगाई बढ़ गई थी, किसान परेशान थे, सैनिक परेशान थे। उसके अलावा इसका एक अपना ही विशेषता कि यह आंदोलन जो है स्वतस्फूर्त आंदोलन था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसके बाद परिणाम पर आएंगे। तो इस आंदोलन के बाद देखिए सबसे ज़रूरी बात जो सामने निकल के आई थी, अब भारतीयों की सहमति के बिना भारतीयों पर और अधिक शासन संभव नहीं था,
है ना, अब तक वो ज़बरदस्ती जो है शासन करते आ रहे थे, लेकिन अब ये क्लियर हो गया था कि अगर भारतीयों की सहमति नहीं होगी तो अब और अधिक शासन भारतीयों पे संभव नहीं था। इसके अलावा देखिए, एकदम सिंपल प्लेन वर्ड्स में मांग हुई थी स्वतंत्रता की, और इसके बाद देश या कांग्रेस कभी भी इस मांग को लेकर नरम नहीं पड़े। तीसरा आप परिणाम लिख सकते हैं कि जो भारतीयों की भागीदारी रही थी वो अद्भुत रही थी, लगभग हर वर्ग के लोगों ने इसमें व्यापक रूप से भागीदारी ली थी। यहाँ तक जो आपके कम्युनिस्ट थे जिन्होंने इस आंदोलन का बहिष्कार किया था, उनमें भी जो स्थानीय स्तर पर कम्युनिस्ट लोग रहे थे उन लोगों की भी भागीदारी देखने को मिली थी। इसके अलावा भारतीयों में यहाँ पे आके राष्ट्रवाद की भावना पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी, है ना। तो इसके बाद एक भारतीय राष्ट्रवादी भावना जो पनप गई थी, जिसका उदय हो गया था, वो जो है भारत में बनी रही, और भारत एक राष्ट्र के रूप में खड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स रहेंगे जिनको आप जो रिजल्ट्स रहे थे, परिणाम रहे थे, उनके लिए लिखे हैं। अब आते हैं महिलाओं के योगदान का वर्णन कीजिए। तो देखिए, जब आप राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे तो अरुणा आसफ अली, है ना, ये नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सुचेता कृपलानी एक नाम है, उसके अलावा अन्य जो महिलाएं हैं जिनके योगदान रहे हैं वो आप लिखेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रम में आपको ये सब नाम मिल जाएंगे। जब आप बिहार की महिलाओं का नाम लिखेंगे तो शांति देवी एक बहुत इम्पोर्टेंट नेम आता है, जिनका जो महिलाओं का एक धरना प्रदर्शन हो रहा था, तो जब पुलिस ने इन लोगों को जो है भगाने की कोशिश की तो इन्होंने नारा दे दिया कि पुलिस हमारा भाई है, तो फिर पुलिस ने इन लोगों के ऊपर जो है कार्यवाही नहीं की। इसके अलावा जरियाबती देवी, ठीक है, इन्होंने बेसिकली बहुत बहादुरी दिखाई थी और जो पुलिस सैनिक थे उनके ऊपर गोली चला दी थी, है ना। तो ये सब नाम इम्पोर्टेंट है जो आपके आंसर में आने चाहिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम कड़ी प्रतिक्रिया थी, और इसके स्वरूप पर चर्चा कीजिए। तो ये क्या बता रहा, देखिए आदिवासी आंदोलनों का इतिहास काफ़ी पुराना रहा था। बेसिकली तो जब से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन जो है स्थापित हुआ था, तब से ही छोटे मोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर आदिवासी आंदोलन जो है होते रहे थे, विरोध स्वरूप अपना विरोध जो है ये लोग प्रकट करते रहे थे। लेकिन संथाल विद्रोह पहला एक कड़ी प्रतिक्रिया के रूप में अंग्रेजों के सामने आया, तो ये आपने बताना है। तो आप शुरू करेंगे कि देखिए, पहले जो है सरदारी विद्रोह हुआ रानी के नेतृत्व में, उसके अलावा आपके चेरों का विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ, तो ये सब विद्रोह चलते रहे थे, लेकिन इनसे इतने बड़े स्तर पे कोई प्रभाव नहीं हुआ था। लेकिन जब संथाल विद्रोह आया तो एक तो इसकी जो तीव्रता थी वो बहुत ज़्यादा थी, उसके अलावा बड़े लेवल पर संथालों ने उसमें भाग लिया था, और बहुत सारे कमियों के रहने के बावजूद संथालों ने अंग्रेजों को बहुत कड़ी टक्कर दी थी, है ना। तीर कमान से ही इन लोगों ने जो है एक बेहतर जो है अंग्रेजों को सामने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। तो ये आपका होगा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे आपको सिर्फ संथाल विद्रोह क्या था, उसके कारण थे, सिर्फ ये नहीं बताना है, आपने ये भी बताना है कि वह प्रथम कड़ी प्रतिक्रिया क्यों थी, है ना। उसके बाद आती है इसके स्वरूप पर चर्चा कीजिए। तो जब आप स्वरूप पर चर्चा करेंगे तो जैसे हमने बिरसा मुंडा आंदोलन में चर्चा किया था, तो उस टाइप से आप यहाँ पे लिख देंगे। तो कॉमन था कि हिंसक था, है ना, उसके अलावा इनके हथियार परंपरागत थे, तीर कमान से लेकिन लड़ाई की, अशिक्षा थी, उसके अलावा अंधविश्वास था, ये लोग सोचते थे कि अंग्रेजों के साथ जब इनका युद्ध होगा तो इनके तीर कमानों से आग निकलनी शुरू हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस आंदोलन का स्वरूप और विशेषताएँ आएंगी। तो अब आपका जो फर्स्ट टेस्ट था उसका जो लास्ट क्वेश्चन था हिस्ट्री के सेक्शन में, वो था पाल कला की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, है ना। तो देखिए फिर से सेम बात आती है, अगर आप यही क्वेश्चन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अटेम्प्ट कर रहे होते तो आपने सीधे इंट्रोडक्शन के बाद आलोचनात्मक पे आ जाना था और आपका आंसर कंप्लीट माना जाता। लेकिन यहाँ पे आपको जो है पाल कला इंट्रो के बाद की पाल कला के लिए आप
अपना एक इंट्रो लिखेंगे जो कि आपका यूनिक होना चाहिए सबसे, उसके अलावा उसकी विशेषताएं लिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो बाल कलाकार विशेषताओं की हम आलोचनात्मक व्याख्या है वो भी करेंगे, और ये आपका एक अलग से फोकस देके आंसर में दिखना चाहिए, है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें थी जैसे बाल कला में जो मूर्तियाँ बनाने वाली जो सांचे वाली कला थी, तो इसको इस पे जो था बेसिकली बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी, मतलब एक तरीके से राज्य की एक अधिकार वाली सिचुएशन यहाँ पे थी। उसके अलावा जो मूर्तियाँ थी उसके अग्र भाग पर ही अधिक ध्यान दिया जाता था, ठीक है। तो ये एक था। तीसरा बोल सकते हैं कि जो मूर्तियाँ थी उनमें कृत्रिमता की झलक बहुत ज़्यादा थी, है ना, आर्टिफिशियल लुक मूर्तियों का निकल के सामने आता था। तो इस टाइप के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप आलोचनात्मक रूप से लिख सकते हैं। तो ये था आपका डिस्कशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है क्वेश्चंस का डिमांड समझ में आया होगा, किन किन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना था वो समझ में आया होगा। तो इस तरीके से एक एक करके हम सेक्शन वाइज जो है आपके सारे टेस्ट पेपर को डिस्कस कर लेंगे, और मेरे अकॉर्डिंग आपको इन डिस्कशन वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगा। जो लोग 64th का मेंस दे रहे हैं, देखिए उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस है ही। जो लोग 65th का पीटी देने वाले हैं वो लोग भी अगर इन वीडियोस को सुनते चलेंगे, कम से कम सुन लेंगे, तो उन लोगों के लिए ना आने वाला जो मेंस होगा जिसमें इतना कॉम्पिटिशन होने वाला है, उसके लिए एक माइंडसेट प्रिपेयर होता चला जाएगा कि किस तरह से BPSC के पेपर का स्वरूप है। आंदोलनों का स्वरूप हमने डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे मेंस की जो परीक्षा है उसका क्या स्वरूप है क्लियर होता जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे बहुत ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों में मत आइए, बहुत ही कीमती समय है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने में लगाइए। तो आज का डिस्कशन वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी आपके सामने हाजिर होगा। थैंक यू वेरी मच।